बीच के साइन को चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हो जाएगा हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, तो मेरा ऐसे कैसे आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और मेरा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर है। ये जो वन अपॉन साइन ए माइनस में चल रहा था, इसको हम क्या कोसेक ए लिख सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि कोसेक ए के पीछे वन अपॉन साइन होता है, तो इसको हम वन अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा मेरा ऐसे कैसे कोसेक ए प्लस कॉट ए, और अगर हम थर्ड एंटिटी देखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो जो सिंपली 1 रह जाएगा और माइनस का ये मेरा कोसेक ए ऐसे कैसे कोसेक ऐसे कोसेक ए के नमस्ते, तो ये क्या आ गया मेरे पास सिंपली कॉट ए आ गया। इसको हम फर्स्ट पार्ट देते हैं। अब सिमिलरली मैं मेरा आरएचएस सॉल्व करना चालू करूंगा, तो मैंने मेरा आरएचएस सॉल्व करना चालू किया, तो ये वही 1 अपॉन साइन है, वही हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो देखिए हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हम रैशनलाइज करते हैं, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई और कोसेक ए माइनस कॉट ए से डिवाइड। तो अब हम देखेंगे 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख लिया हमने, 1 अपॉन साइन ए को हमने कोसेक ए लिख लिया, ऊपर ये वाला जो है ये कोसेक ए माइनस कॉट ए ऐसे की ऐसे, नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, वही सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी रिकॉर्डिंग 1, तो इसके नीचे लिखो मत लिखो एक ही बात है, साइन चेंज कर देंगे कोसेक ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का कॉट ए, कोसेक ए और कोसेक ए आपस में नमस्ते हो जाएंगे, तो सिंपली क्या बचेगा कॉट ए। हम देख रहे हैं एलएचएस भी कॉट है आरएचएस भी कॉट है, दोनों एलएचएस से इक्वल हो आरएचएस आ गया, इट मींस हेंस प्रूव्ड। फिर भी आपको कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, प्लीज ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू।